नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज अमरगति शहीद स्थल महोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डाक बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डुमरियागंज में प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई 26 नवम्बर 1858 में बुनियादी खाड़ी में की गई थी और उसके बाद पूरी देश में क्रांति आई है, लेकिन यहाँ का इतिहास किसी को नहीं पता था। उनकी याद में 26 नवंबर को डुमरियागंज शहीद स्थल पर शहीद महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। इस स्थल के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है और प्रस्ताव बन रहा है। डुमरियागंज की वह पवित्र क्रांतिकारी धरती जिस पर प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई की बुनियाद खड़ी की गई थी 26 नवंबर 1858 के दिन, और जब ये लड़ाई हुई थी उसके बाद पूरे देश में क्रांति आई थी, लेकिन यहाँ का इतिहास किसी को पता नहीं था। इतने महान वीर जो गुमनाम माता अन्नपूर्णा देवी पुनर्स्थापना यात्रा शनिवार को देर रात्रि अयोध्या धाम पहुंची। इस दौरान अयोध्या जनपद सीमा रुदौली सहित जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। वाहन रात्रि विश्राम के लिए माता अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को राम जन्मभूमि परिसर में स्थित श्री राम लला के दरबार में सुरक्षित पहुंचाया गया, जहां सुबह विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चना की गई और इस दौरान पूजा के आयोजन में प्रदेश के पर्यटन और जनपद के प्रभारी मंत्री समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो वहीं माता अन्नपूर्णा की पूजन आरती के बाद राम जन्मभूमि परिसर से वाराणसी के लिए यात्रा रवाना हुई। माँ अन्नपूर्णा की यात्रा अयोध्या प्रयागराज रोड होते हुए खजुराहट चौराहे पर पहुंची। आज 107 साल पूर्व अंग्रेजों द्वारा जो लूटी गई थी अन्नपूर्णा की मूर्ति, माँ अन्नपूर्णा को कोई लूट नहीं सकता, यह माँ अन्नपूर्णा का इंतजार था कि उनका कोई भक्त जब तक वह पुकार नहीं करेगा माँ अन्नपूर्णा अपने भक्त के द्वार नहीं आएंगी। आज उन्हें ऐसा भक्त मिला जो पूरे विश्व का देख अगुआ हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय दिल्ली से निकली है। उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों से होते हुए काशी ये आज पहुंचेगी। शाम को काशी में माँ दुर्गा के मंदिर में, कुष्मांडा जी के मंदिर में रात्रि विश्राम यात्रा का होगा और कल 9:30 बजे पुनर्स्थापना पूजा श्री विश्वनाथ धाम काशी में माँ अन्नपूर्णा जी का होगा। अयोध्या यूपी के संभल में कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी द्वारा श्रीराम का नारा लगाने वालों की तुलना काल नेमी राक्षस से किए जाने के विवादित बयान पर बीजेपी राज्य मंत्री गुलाब देवी कांग्रेस नेता राशिद अलवी पर भड़क गई। बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कांग्रेस नेता राशिद अलवी के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता पहले अपने अंतकरण में झाके और जो राम के भक्त होते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए कालनेमी राक्षस बनना पड़ता है जिसका राम भक्तों द्वारा वध किया जाता है। बीजेपी की मंत्री गुलाब देवी ने यह भी कहा कि जिस तरह भगवान हनुमान ने कालनेमी राक्षस का वध कर उसका उद्धार किया था, उसी तरह बीजेपी कांग्रेस का भी उद्धार करेगी। जो कालनेमी की तुलना कर रहे हैं वो खुद में अपने अंतःकरण को देखें, पहले तो वो साहित्य पढ़ें, साथ पढ़ने के बाद में उनको ये पता लग जाएगा कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनका रास्ता कोई रोक नहीं सकता, और रास्ता रोकने के लिए कालनेमी राक्षस बनना पड़ता है पर उसका वध किया जाता है भगवान के भक्तों के द्वारा ही। आज जनता ने उनका इतना तिरस्कार किया है जो भगवान के भक्तों के लिए कालनेमी राक्षस बता रहे हैं, उनका इतना तिरस्कार किया है कि वो वध से भी ज़्यादा बढ़कर है और उन लोगों को सजग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार से धार्मिक मंच पर उनको इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए जो कि गलत है। जो कालनेमी की
मथुरा में एकादशी परिक्रमा लगाई गई। देवोत्थान एकादशी के दिन श्रद्धालु मथुरा की 3 कोस की परिक्रमा लगाकर पुण्य लाभ कमाते हैं। बता दें कि इस परिक्रमा का मथुरा में बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि कंस वध के बाद कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदेव में विवाद हो गया था कि कंस का वध किसने किया। इस पर देवताओं ने कृष्ण और बलदेव में प्रतियोगिता करवाई और कृष्ण और बलदेव द्वारा मथुरा में परिक्रमा लगाई गई, जिसकी परंपरा को निभाते हुए लोग आज भी मथुरा की परिक्रमा लगाते हैं। ये परिक्रमा दिवाली के अक्षय तृतीया से शुरू होकर देवोत्थान एकादशी पर इसका समापन हो जाता है। आज के दिन से ही जितने भी हिंदू में मांगलिक कार्य होते हैं वो आज से शुरू हो जाते हैं। श्रवण कुमार पुजारी है। अच्छा, आप इस मंदिर में क्या कार्य करते हैं? मैं यहाँ का पुजारी, यहाँ की सेवा पूजा करता हूँ। जो परिक्रमा लगाई जा रही है किस उपलक्ष्य में, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है, आज देवठान एकादशी है, जिस समय मामा कंस को और कृष्ण बलदेव ने, दोनों भाइयों ने मिलके कंस को मारा, सबसे नाम लड़ाई झगड़ा होने लगा, दोनों भाइयों में आपस में लड़ने लगे। वो कहने लगे कृष्ण के मैंने मारा, बलराम जी कहने मैंने मारा। जब नारद मुनि जी को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे मथुरा में घोर युद्ध चल रहा है, तो वो सीधे हिमालय पर्वत गए और उन्होंने बोला महादेव जी से ऐसे मथुरा में दोनों भाइयों में युद्ध हो रहा है मामा कंस के पीछे। तो मामा कंस ने जब किया तो शंकर भगवान में जब प्रकट हो गए, सीधे जमीन में घुसे, पाताल में, पाताल में घुसे, जहाँ मथुरा में आए उन्होंने दोनों भाइयों के बीच में प्रकट भागे, प्रकट हुए और बोले रंग है, रंग है, रंग है, तुम दोनों भाइयों का रंग है। कृष्ण को समझाया, दे भाई कृष्ण तू छलिया है, तूने अपने छल से मारा, बलराम जी तू बलिया है, तूने अपने बल से मारा। तब ये यहाँ पे चलने लगे, दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, तभी से नाम पड़ा इनका रंगेश्वर महादेव, तभी से देवठान एकादशी की परिक्रमा मानी जाती है और लगती है पूरे शहर लगाता है। इसी उपलक्ष्य में मनाया गया देवठान एकादशी, मामा कंस को मार गए। मेरी शादी को 32-33 साल हो गए, उसके 4-5 साल बाद से लगा रही हूँ। इस परिक्रमा का क्या महत्व, क्यों लगाती हैं? कहते हैं भगवान ने लगाई है, इसलिए हम भी लगाते हैं। भगवान ने तो नहीं लगाई, कथा में लिखा हुआ भगवान की परिक्रमा। नहीं, भगवान अपनी गाय चराते थे यहाँ पे। गाय चराना, परिक्रमा लगाना, दोनों। हाँ, तो बात वही है, भगवान ने लीलाएं करी थी इन जगहों पे। क्या पौराणिक कथा, वो आपको पता नहीं? नहीं, हमें यही पता है, इतना ही। खबर चंदौली से, जहां जिले मंडल सुरक्षा DDU आशीष मिश्रा के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल लाइंस DDU में अखिल भारतीय रेसूब खो खो प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में वरीय मंडल प्रबंधक राजेश कुमार पांडे पहुंचे और उक्त प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि दूसरी बार है जब RPF DDU को खेल खेल प्रतियोगिता में मेजबानी की गई। रुक करते अगली खबर की तरफ, जहां बाल दिवस पूरे देश में 14 तारीख यानी कि 14 नवंबर को मनाया जाता है और ये दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का प्रतीक है। इसी क्रम में प्रतापगढ़ के पंडित रामकर्ण मिश्र इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच खेलकूद और अन्य कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और बच्चों को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कार्यकुशलता के बारे में भी बताया गया। साथ ही बाल दिवस क्यों मनाया जाता है इस बारे में भी बताया गया। बच्चों में इस वर्ष बाल दिवस को लेके बहुत ही हर्षोल्लास है अभी से, क्योंकि विगत वर्ष कोरोना की वजह से बाल दिवस नहीं मना पाए हम लोग। इस बार भी दुर्भाग्य से छुट्टी का समय है, तो कुछ विद्यालय में हम लोग ऐसी तैयारी और प्लानिंग कर रहे हैं कि छुट्टी के दिन बच्चों को 2 घंटे के लिए बुलाया जाए। वो विदाउट ड्रेस रहेंगे, कलरफुल ड्रेस में आएंगे बिना बैग के, और तरह तरह के यहाँ खेल आयोजन करने का विद्यालय परिवार ने संकल्प लिया है। और कुछ प्रतियोगिताएं जैसे बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए वार टाइप का कुछ प्रोग्राम, जैसे लंबी दौड़, रस्सी कूद प्रतियोगिता, जलेबी प्रतियोगिता, इस तरीके की कुछ प्रतियोगिताओं को कराने का संकल्प हम लोग लिए हैं और वो करेंगे। बच्चे उसके लिए पूरी तरीके से।
काशी से करीब 100 वर्ष पहले चुराई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत आने पर जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान सुल्तानपुर जिले की सीमा में पहुंचते ही सदर विधायक की अगुवाई में माता की मूर्ति का स्वागत किया गया। यहां से मूर्ति आगे काशी के लिए रवाना हो गई, जहां से पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर में उसकी स्थापना की जाएगी। दरअसल काशी में करीब 100 वर्ष पूर्व अन्नपूर्णा माता की मूर्ति चोरी हो गई थी। काफी पता करने के बाद जानकारी लगी कि ये मूर्ति कनाडा में है, जिसके बाद भारत सरकार ने इस मूर्ति को लाने की पहल शुरू की। वर्तमान में अन्नपूर्णा माता की मूर्ति दिल्ली पहुंची, जहां से सड़क मार्ग से होते हुए उसे पुनः काशी ले जाया जा रहा है। देखिए, अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति बाबा विश्वनाथ मंदिर से करीब 100 वर्ष पहले चोरी हुई और एक पता करते करते कनाडा मिली। अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रयास से ये भारत आई दिल्ली, और दिल्ली से अयोध्या होकर काशी जा रही है। इस यात्रा हम जगह जगह स्वागत कर रहे हैं माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही, और हम सबको काफ़ी सुविधाएँ मिलती हैं। और आप देखिए, इतना कोरोना जैसी महामारी में अब होली तक निःशुल्क अन्न वितरण हो रहा गरीबों का। सहारनपुर के कोतवाली बेहट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की योजना बना रहे बदमाशों की घेराबंदी कर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर की कोतवाली बेहट इलाके का है, जहां सीओ बेहट रामकरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली कि कुछ बदमाश अब्दुल्लापुर रोड पर महाड़ी के पास लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बेहट मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर 4 बदमाशों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 3 चाकू बरामद हुए हैं। ये एसएसपी महोदय के निर्देशन में अपराध के नियंत्रण के हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ कल रात में चोरी और लूट की योजना बनाते समय अब्दुल्लापुर रोड पर चमेला व सतपाल के आम के बाग के पास से 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें शौकीन के पास से 1 अदद तमंचा, 2 कारतूस, 12 बोर तथा अन्य लोगों के पास से 1-1 अदद चाकू बरामद किया गया है। इनके ऊपर जो है न्यायिक कार्रवाई करके केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर गरीब को पक्का घर देने का वादा 2022 कलान की तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरेली नेकपुर में सफेद हाथी साबित हो रहा है। यहां पिछले 20 वर्षों से अत्यंत गरीब परिवार के लोग अपने घर के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक पक्का घर नहीं मिल पाया है। दरअसल मामला शाजापुर जनपद की कलान तहसील की ग्राम पंचायत हरेली नेकपुर का है, जहाँ तकरीबन 8 से 10 ऐसे परिवार हैं जो पिछले 20 वर्षों से एक आवास के लिए भटक रहे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आपको ये बता दें कि ये खंड विकास अधिकारी के दफ्तर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। धान नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला है? आपने कहीं प्रधान से कहीं अधिकारी से? नहीं, देते ही नहीं, सेक्रेटरी नहीं देते और जो प्रधान नहीं देते। अच्छा, आपने कहा था? हाँ। अच्छा, ऑनलाइन करवाया था आपने? हाँ। सरकार तो कह रही है 2022 तक सभी गरीबों को घर मिलेंगे, आपको क्या उम्मीद लगती है? इतना ही क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जाका तो हम तो अपने भाई नहीं कर देते जरे मानव को का भाई बहुत नहीं हम का अपने जेब में कर दे। समस्या है, रुपए मांग रहे 30,000। कौन मांग रहा है? प्रधान। प्रधान कौन है यहाँ के? राम मिलन। राम मिलन आपसे 30,000 रुपए मांग रहे हैं? हाँ। अच्छा, प्रधान सुनने में आ रहा है कि 1 किस्त आ गई है, इसके बाद नहीं आई है। हाँ, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है, खाता सील करा दिया कहते हैं, दबंगी दे रहे। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन पर अंतर जनपदीय वाहन चोरी गिरोह का खुलासा किया गया। कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। बड़ागांव और पुल ग्राम बड़ागांव के पास से समय करीब 3 बजे सुबह कार्यवाही कर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
जिला मैनपुरी में बीती रात लूट के इरादे से आए बदमाशों को ग्रामीणों ने घेराबंदी करके पकड़ लिया है। आपको बता दें कि घेरता देख बदमाशों ने कई ग्रामीणों पर कई राउंड फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों ने भी हिम्मत दिखाते हुए दो बदमाशों को पकड़ लिया। मामला बीती रात थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम हरी सिंहपुर का है, जहां बदमाश चोरी और लूट के इरादे से गांव में घुस आए, जिसकी आहट पाकर ग्रामीणों ने अपने अपने पड़ोसियों को मोबाइल फोन पर कुछ अनहोनी होने के साथ साथ बदमाशों की आहट की सूचना भी दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पकड़े गए बदमाशों की ग्रामीणों ने जबरदस्त पिटाई करने के बाद रस्सियों से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों की पिटाई से बदमाशों की घायल अवस्था को देखते हुए पुलिस ने इलाज के लिए किशनी अस्पताल में इलाज कराकर अन्य चोरों की तलाश में जुट गई। मेरा नाम रवि चौहान है। मेरे भाई के घर में चोरों ने खिड़की तोड़ दी, जंगला तोड़ दिया, अंदर नहीं घुस पाए। सब लोग जाग गए तो शोर शराबा हुआ, जब उनके पीछे भागे तो उन्होंने फायर भी किए और गांव वालों ने मिलकर दो चोरों को पकड़ लिया। मेरा लखीमपुर जनपद के सिगाही कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मांझा के मजरा चौगुर्जी में एक युवक युवती ने खेत में खड़े एक पेड़ से लटक के जान दे दी। पूरा मामला चौगुंजी गांव का है, जहां प्रेम प्रसंग में घर वालों की बंदिशों के चलते एक ही जाति धर्म के एक 25 वर्षीय युवक और 35 वर्षीय विवाहिता ने पेड़ से एक ही रस्सी से दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी जैसे ही गांव वालों को मिली, वैसे ही गांव में सन्नाटा छा गया। सूचना पाकर सिंगाही थाना अध्यक्ष और हेल्का इंचार्ज नीरज सिंह और अन्य स्टाफ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी अंतर्गत रघुनाथपुर टोला भगत पुरवा में एक व्यक्ति की हत्या करके शव को खेत में दफनाया गया है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र हैं। घटनास्थल का एसएसपी एसपी नॉर्थ ने निरीक्षण किया, शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। अब यहाँ के लड़के लोग तो लेने गए थे दादा मार्का के, अब मारने सुने जान मारे हैं कि नहीं मारे हैं कैसे बोल सकते। वहाँ पर लेबर चोरी करने गए थे दादा मार्के के लड़के लोग, वो बोले कि मेरा भाई के लेबर को क्यों लेके जाओगे करके वो लोग को दो चार डंडा मार दे जबरे वो लोग खिंचके। खबर चंदौली से है, जहां जनपद के चंदौली नगर स्थित डाक बंगला रोड में बाल दिवस के शुभ अवसर पर जन सहयोग संस्थान की पहल देखने को मिली। चंदौली नगर स्थित डाक बंगला रोड किनारे पर रहने वाले टोकरी बुनकर परिवार और कूड़ा बिनने वाले परिवार के बच्चों के बीच निशुल्क स्लेट चौक बालपोथी और मिष्ठान और खिलौने का वितरण किया गया। साथ ही साथ टीनेजर उम्र में प्रवेश कर चुके बालिकाओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया, साथ ही साथ उनके इस्तेमाल के बारे में जानकारी भी दी गई। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष अजीत कुमार सेनी, सचिव प्रियंका गुप्ता, सदस्य प्रिया कुमारी, दीपक मौर्य, चंद्रबली पासवान, प्रेम कुमारी मौर्य भी उपस्थित रहे। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है और 2019 की तरह ही इस बार भी सामाजिक सम्मेलन करके आम जनता के बीच संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में पिछड़ा वर्ग के कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य भी शामिल हुए।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार समय सम्मेलन किए जा रहे हैं। आज राजधानी में भी कुशवाहा साख के और मौर्य समाज का सम्मेलन किया गया। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी जी। जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, क्या सम्मेलन किया जा रहा है? देखिए, आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन है और उसमें अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करके गए हैं। पूरे प्रदेश से हर जनपद से यहाँ प्रतिनिधि के रूम में सभी लोग आए हुए हैं और चूँकि समय समय पर समाज को जागृत करते रहना चाहिए, इस संबंध में आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया था। इसमें अभी माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी भी उपस्थित होने वाले हैं और यही था कि हम सब मिलकर के जिस तरीके से माननीय योगी जी के शासनकाल में कानून का राज यहां कायम किया गया है और केंद्र की सभी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम किया गया है, इसी विश्वास के साथ हम आगे भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, यही आज का लक्ष्य है। तो ये थे हमारे साथ धर्म सिंह सैनी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री। का कहना है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वंचित दलित और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए काम करते आई, आगे करती रहेगी। इस सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से इन वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं इन वर्ग को आगे बढ़ाने की, विकास की मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आने वाले भविष्य में भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपनी सरकार बनाएगी। क्या पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसी संगठनों की गतिविधियां से लेके राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2019 की तरह ही सामाजिक सम्मेलन आयोजित कर रही है। आज राजधानी में पिछड़ा वर्ग जो आपका कुशवाहा साख मौर्य समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया, हमारे साथ मौजूद है वरुण मौर्य जी जो कि सूर्य प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। जानते हैं इन सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी वर्गों के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें आज हमारे मौर्य कुशवाहा साख के सैनी समाज का ये पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि सम्मेलन है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पधारे हैं और यहाँ पे हमारे समाज के सभी मंत्रीगण, विधायकगण और सभी मोर्चों के पदाधिकारी और हमारे समाज के लोग यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हैं। जितने लोग बाहर अंदर हैं उतने ही लोग बाहर खड़े हुए हैं और हम लोग 2022 के लिए कमर कस लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2022 में प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। गुरु जी, ये बताइए जिस तरह से अन्य दल भी सम्मेलन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, हमारी पार्टी ने भी चालक सम्मेलन किया था, क्या मानते हैं इन सम्मेलनों का भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये जितने भी पिछड़ा वर्ग सभी समाज के सम्मेलन हो रहे हैं, ये सभी सभी पिछड़ा वर्ग जितने भी समाज हैं ये सभी एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर और 2022 में बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार 300 के पार सीटें हम ला के सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी भी सम्मेलन कर रही है, बहुजन समाज पार्टी सम्मेलन कर रही है, आम आदमी पार्टी भी सम्मेलन किया है, कांग्रेस भी लगातार संवाद कर रही है जनता से। ये बताइए कि इन लोगों की जो गतिविधियां हैं इनसे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है, जो मुख्य बाण बोलते हैं कि 300 प्लस जाएंगे, तो क्या असर पड़ेगा? मैं मानते हैं कोई गतिविधि इन लोगों की कोई असर डाल पाएगी चुनाव? हमारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ये जितने भी चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चाहे जितने भी सम्मेलन करने चाहे जितना बोल लें, लेकिन कुछ हमारा हमारी पार्टी का जो मिशन है, हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ना अन्य पार्टियां कभी कर पाई हैं और ना कर पाएंगी। हम लोग सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और आज प्रदेश की जनता देश की जनता यही चाहती है कि सभी का सम्मान हो, सबका विकास हो, सबका साथ। सूर्य प्रमुख है, क्या विशेष जिम्मेदारी आपको दी गई है और कहाँ तक निर्भर करते हैं? मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मुझे पिछड़े वर्ग लोगों पे शोध करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पिछड़े समाज के लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, ये हमारा मिशन है। क्या कहाँ पे हमारे लोग टूट रहे हैं, किस कारण से टूट रहे हैं, उस पर हम लोग शोध कर रहे हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराते हैं और उनको हम लोग अपनी पार्टी की ओर एक तरफा जोड़ते हैं। तो ये थे हमारे साथ वरुण मौर्य। इनका कहना है
कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन कर रही है, जो पिछड़े वर्ग की जो गरीब तबके के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं वो जो उनका पद है सूर्य प्रमुख के काम के मुताबिक, ये समाज के उन वर्गों को आगे लाते हैं जो अब तक टूट रहे हैं, जिनको कोई विकास में नहीं धारा में नहीं आ पा रहे हैं, उनको आगे लाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। कैमरा दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन किया गया, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पास मौजूद हैं कौशल मोर, जो समाज सेवा करते हैं। सर बताइए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन किया जा रहा है, इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग जितने भी समाज के पिछड़ा वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मोदी जी की योजनाओं को विस्तार रूपित करने के लिए इस सम्मेलन को संगठित किया गया है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या चुनावी रणनीति पर कुछ असर पड़ेगा सर? बिल्कुल, इस कार्यक्रम से चुनावी राजनीति के लिए एक बड़ी आहुति होगी हम लोगों के लिए, कि हम लोग समाज को दिखा सके कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय आदरणीय योगीनाथ जी हैं, हमारे समाज के नेता हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे भारतीय जनहित महासभा के संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय विनोद मौर्य जी, उनके शीर्ष नेतृत्व में हम लोग जो आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन किया जा रहा है, इसमें एक बड़ा मुकाम हम लोग हासिल करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सपा, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो भाजपा का सामाजिक सम्मेलन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी से भी खास बातचीत हुई। आपको बता दें कि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां मौर्य समाज और व्यापारियों का सम्मेलन किया गया, सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।